मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ विरोधी दल भी हमेशा करते हैं। भाजपा के धुर विरोधी रहे कई विपक्षी दल नितिन गडकरी के कामों के कायल हैं। हाल ही में नितिन गडकरी का एक बयान आया जिसने काफी ज्यादा सियासी माहौल गर्मा कर रख दिया। नागपुर पहुंचे नितिन गडकरी ने कहा, मुझे लगता है कि मैं राजनीति छोड़ दूं। महात्मा गांधी के समय से राजनीति देश समाज विकास के लिए होती थी, लेकिन अब राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए होती है। ऐसा पहली बार नहीं है जब नितिन गडकरी ने ऐसा बयान दिया हो, लेकिन राजनीति से मन भर गया है। जो इस तरह का बयान उन्होंने दिया, वो बयान जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, कई तरह के सवाल उठने लगे। इससे पहले नितिन गडकरी ने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया था और कहा था कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए, देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के कमजोर होने से क्षेत्रीय पार्टियां हावी हो जाती हैं। उनके इस बयान की तारीफ कांग्रेस के तमाम नेताओं ने की। बहुत सारे यूजर्स हैं जो अब ये कह रहे हैं कि नितिन गडकरी राजनीति छोड़ने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके मन में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने की इच्छा आ गई है। विकी नाम के यूजर लिखते हैं, जब आपका सपना शरद पवार के जैसे पीएम और राष्ट्रपति बनने का हो तो आप जल्दी ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लोग ये कह रहे हैं नितिन गडकरी जी को राजनीति के सत्ता या प्रगति के बारे में टिप्पणी करने के बजाय राजमार्गों और पुलों पर अधिक ध्यान देना चाहिए, केवल प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें और पश्चिमी देशों के बुनियादी ढांचे को हरा दें। आपको बता दें, नितिन गडकरी के इस ट्वीट के बाद सियासी माहौल काफी ज्यादा देश का गर्मा गया है। नितिन गडकरी के इस बयान ने भारतीय जनता पार्टी पर भी कई तरह के सवाल उठा दिए हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह मुख्तार अब्बास नकवी मोदी कैबिनेट से अलग हो गए हैं, ठीक उसी तरह अब मोदी कैबिनेट से अलग नितिन गडकरी भी हो जाएंगे। खैर, लोगों के दावे का क्या नतीजा निकलेगा आगे आने वाले वक्त पर पता चलेगा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।